आपने श्रीवास्तव, जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। होमवर्क स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए यूज़फुल रहता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कि सब्सक्राइब करने से मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो प्लीज़ इतनी हेल्प तो आप मेरी कर दीजिए कि मैं डेली आप लोगों के बच्चों के लिए बख्शीश यहाँ पर अपलोड करती हूँ। आप इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए, आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए होमवर्क स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज बच्चों को अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। हम दो वर्ण वाले अक्षर बच्चों को रिपीट रिविज़न करा रहे हैं। तो आज मैंने बच्चों को वन रस व प्लस न करके क्या राइट करेगा बच्चा, वन राइट करेगा। इन दिस टाइप व और न, वन इन दिस टाइप। इसी तरह से र प्लस स देंगे आप, ब प्लस स, ज प्लस ड, प प्लस ड, क प्लस म, ग प्लस घ प्लस ट, ल प्लस र, ठ प्लस ग, भ प्लस र, ज प्लस ल, प प्लस थ, अ प्लस ब, य प्लस स, ड प्लस र, द प्लस म, अ व प्लस क। तो इस तरह से बच्चों को आज जोड़ करके यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को यूज़ ऑफ ए एन दिया गया है। तो ए एन बच्चों को हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि ए का यूज़ कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है, कॉन्सो नेंट्स के साथ होता है, और एन का यूज़ वॉवल्स के साथ होता है। और वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O U। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक किसके साथ यूज़ होगा, कॉन्सनेंट के साथ, एन का यूज़ होगा वॉवल्स के साथ। तो वॉवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। यहाँ पर बी है तो बी वॉवल है या कॉन्सनेंट, हमेशा बच्चा बिगनिंग लेटर से ही जान पाएगा कि कौन सा वॉवल है और कौन सा कॉन्सनेंट है। तो बी यहाँ पर वॉवल है या कॉन्सनेंट, बी कॉन्सनेंट है, तो बच्चे को यहाँ पर यूज़ करना होगा ए। हम इसे रिपीट करा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा अगर बच्चे मिस्टेक कर रहे हो तो अगर हमें इसे एक बार दो बार प्रैक्टिस करा देंगे तो बच्चों को अच्छे से ये आ जाएगा। इसी तरह से एप्पल, फ्रॉग, कैमल, एंट, टेबल, आयरन, फैन, गर्ल, अर्न। अगर आप पिक्चर्स मेक करना चाहें तो मेक कर लीजिएगा, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए मैं पिक्चर मेक नहीं कर पाई। इसी तरह से कैट, एक्स, आई, टब, बेल, मैंगो, ऑरेंज, ऑक्स, मैट एंड पिन। देन आज मैं अपनी डॉटर को उसका नेम लर्न कराने वाली हूँ, लर्न करा के और राइट कराने वाली हूँ। तो आप भी एक तरह से आज बच्चे को होमवर्क दे सकते हैं, माई नेम इज़ अदिश्री आप नहीं दीजिएगा, आपकी डॉटर का जो भी नेम होगा या सन का, डॉटर या सन जो भी होंगे उसका नेम राइट करके माई नेम इज़ करके पूरा आप दीजिएगा। मैंने सिर्फ अदिश्री श्रीवास्तव नहीं दिया, सिर्फ आज अदिश्री, उसको सिर्फ उसका नेम राइट करना सिखाऊंगी आज। श्रीवास्तव भी मैं नहीं सिखाऊंगी, वो मैं बाद में जब ये अधिश्री इसको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी तब मैं उसे अधिश्री श्रीवास्तव लर्न कराऊंगी। तो आज मेरा सिर्फ उसको यही है, आज मैंने अपनी डॉटर को माई नेम इज़ अधिश्री दिया है क्योंकि उसका नेम अधिश्री है। तो आपके भी जो भी डॉटर या सन जिसका भी जो नेम होगा उसकी तरह से आपको दे देना है माई नेम इज़ करके। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में ग्रेटर लेस एंड इक्वल दिया गया है क्योंकि बच्चे ग्रेटर लेस में थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, फॉरगेट कर रहे हैं। तो मैंने आज वन से लेकर टेंथ तक रिपीट दिया है कि उसको एक बार और प्रैक्टिस कराऊं कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चे को वन से लेकर टेंथ तक ग्रेटर लेस एंड इक्वल दे सकते हैं। तो 9876 5422, ये तो आपको पता है कि जिधर ग्रेटर होगा क्रोकोडाइल का माउथ सिर्फ उधर ही ओपन होगा। मतलब कि यहाँ पर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इधर हियर इज़ 9 और हियर इज़ 8, तो ये एक क्रोकोडाइल है। तो क्रोकोडाइल 9 फिशेस खाएगा या 8 फिशेस खाएगा, तो डेफिनेटली क्रोकोडाइल 9 फिशेस खाएगा क्योंकि 9 मोर है, ग्रेटर है। तो क्रोकोडाइल का माउथ किधर होगा, 9 के साइड होगा। जब कोई नंबर सेम होते हैं तो हमें वहाँ पे इक्वल का यूज़ करना होता है। तो इसी तरह से आप ग्रेटर लेस देंगे बच्चों को 10 9 1 3 4 6 5 8 9 10 2 4 5 7 7 2 8 4 9 6 6 8 7 5 3 6 10 11। और जो कि मैं आपको प्लीज़ बता रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपके घर में जितने भी लोग हैं उनसे प्लीज़ अपने उनके मोबाइल को लेके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। अब देन आप बच्चों को नेक्स्ट पेज पे देंगे व्हाट कम्स आफ्टर। तो 7 आफ्टर 8 आफ्टर 2 आफ्टर 10 आफ्टर 12 आफ्टर 18 आफ्टर 9 आफ्टर 16 आफ्टर 1 आफ्टर 4 आफ्टर 5 आफ्टर 14 आफ्टर 6 आफ्टर
13 after, 11 after, 3 after, 8 after, 15 after, 17 after and 19 after. तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है और आप अपने किड्स को इससे पढ़ा पा रहे हैं तो इतना तो आप मुझे कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.